अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 21 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप स्काइप में पीपल्स ऐड कैसे कर सकते हो, स्काइप वीडियो कॉल कैसे कर सकते हो और स्क्रीन को कैसे शेयर कर सकते हो स्काइप के थ्रू, एंड हाउ टू सेंड फाइल फोल्डर टू स्काइप, स्काइप के थ्रू फाइल फोल्डर को कैसे सेंड कर सकते हो और इसकी प्रोफाइल पिक्चर्स और अकाउंट वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो। आज हम स्काइप पे, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे स्काइप है, स्काइप को डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रीवियस लेसन में आपको बता दिया था डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो स्काइप में आपके पास यहाँ पे आपने नाम देना है, तो नाम मेरे पास पहले से दिया हुआ है, तो मैंने जो नाम दिया था स्काइप का वो मैंने दिया था तैमूर 123। आपने जो भी नाम दिया है वो नाम यहाँ पे लिखे, पासवर्ड आपने देना है यहाँ पे और यहां से आपने साइन इन करना है। साइन इन जो ही करेंगे तो आपका स्काइप साइन इन हो जाएगा। स्काइप आपके पास सामने ओपन हो गया, देख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और स्क्रीन भी स्काइप की आती है तो आप उसे क्लोज कर लें और आपके पास यहाँ पे जो तैमूर 123 की स्क्रीन है स्काइप की, तो आप इसको सामने ओपन कर लें। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आपका अकाउंट है, आप अभी ऑनलाइन हो, सर्च में जाके आपने अगर किसी को ऐड करने साथ तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐड करता हूँ तैमूर परवेज का एक अकाउंट है, उसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। सर्च स्काइप पे क्लिक करता हूँ, तैमूर परवेज एप्टाबाद के नाम से है हमारे पास, सिलेक्ट किया मैंने इसको एंड इसको मैंने ऐड टू कॉन्टेक्ट कर लिया। अब ऐड टू कॉन्टेक्ट में आपको कह रहा है कि आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, सेंड करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट। अब जब ये तैमूर परवेज को रिक्वेस्ट मिलेगी वो इसको एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट मिली है तो मैं इसको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे तैमूर 123 को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ अपने मोबाइल से। तो जो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, एक्सेप्ट जो ही किया तो आपके पास यहाँ पे मैसेज आ गया जी। यहाँ पे आप देखें शेयर कॉन्टेक्ट डिटेल, अब तैमूर आपके पास यहाँ पे आपके फ्रेंड में आ गया, फ्रेंड लिस्ट में आ गया। इसी तरह अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो वो भी आपको यहाँ पे सामने मैसेज आ जाएगा। तो मैसेज जब आपको आएगा तो आप उस मैसेज को एक्सेप्ट करके आप कंफर्म करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉल करता है स्काइप पे तो आपको स्काइप पे जब कॉल करेगा कोई, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कॉल आ रही है। आपने कॉल एक्सेप्ट करनी, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल चल रही है, ऑडियो कॉल है। अगर आप वीडियो ऑन कर दें तो वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। कॉल को कैंसिल करना है यहां से तो आप कॉल को कैंसिल करना। आपने अगर कॉल करनी है तो आप यहां से कॉल करेंगे इसको, स्काइप कॉल है, यहां से कॉल जा रही है। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा कॉल तो मेरे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लोज करना चाहते हैं यहां से आप क्लोज कर सकते हैं। कॉल चलते हुए अगर आप कैम ऑन करने जा रहे हैं तो यहां से ऑन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहां से वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे क्लिक करें, यहां से अपने वीडियो कॉल की। अभी मैं यहां पे मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है वीडियो में, जब मैं यहां से कॉल रिसीव करूंगा तो आप देख सकते हैं आपको यहां से बुक कराया जा रहा है।
ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये यह नजर आ रहा है, कॉल को यहाँ से क्लोज करने, तो यहाँ से क्लोज कर दें। तो ये जी, आप वीडियो कॉल कैसे कर सकते हैं और ऑडियो कॉल कैसे कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को ऐड कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा अपने अपने अकाउंट में पिक्चर वगैरह ऐड करें, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो ही आपका कंप्लीट अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने पिक्चर ऐड करें तो आप यहाँ पे चेंज पिक्चर पे क्लिक करें, जहाँ कहीं भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, या फिर अगर आप कैमरे से पिक्चर लेना चाहें तो कैमरे से ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास जहाँ की पिक्चर पड़ी है वहां से पिक्चर ले सकते हैं। ब्राउज करें पिक्चर को, ब्राउज करके अगर लेना चाह रहे हैं तो ब्राउज करें, और जहाँ पिक्चर पड़ी है आप वहां से पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। ओके करके सिलेक्ट करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके अलावा मैनेज करना चाह रहे हैं अकाउंट को, मैनेज कर सकते हैं। मैसेज, अगर आप कोई मूड मैसेज यहाँ पे सामने आप चाहते हैं कुछ मैसेज शो, तो यहाँ से आप मैसेज शो कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने स्क्रीन वगैरह शेयर करनी है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉल में जाए, आप जिसको कॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने तैमूर को कॉल की, यहाँ से आपने कॉल की तैमूर को, कॉल जा रही है, या फिर तैमूर अगर आपको कॉल करते हैं तो कॉल आ रही है, मैं कॉल को जो ही एक्सेप्ट करता हूँ, कॉल मेरे पास रिसीव हो गई है। अब मैं यहां से कॉल में जाके शेयर स्क्रीन करता हूँ, स्टार्ट करूंगा। अब मेरी जो शेयर स्क्रीन है ये कॉलर को मिल रही है, और कॉलर शेयर आपकी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये आपकी स्क्रीन को यहाँ से देख रहे हैं। अब जो काम कर रहे हैं आपके, आपको जिसने कॉल किया वो आपकी स्क्रीन को देख रहे हैं, आपने स्क्रीन शेयर कर ली। स्क्रीन को खत्म करना है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करें, शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी, और यहां से उसके बाद आप यहां से इसको क्लोज कर दें कॉल को, तो कॉल भी क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैसेज वगैरह करना है तो आप यहां से यहां पे टाइप कर सकते हैं मैसेज, इस जगह में हेलो आपको मैसेज आएगा। अब अगर आप मैसेज का रिप्लाई देना चाह रहे हैं, या कोई आपको मैसेज का रिप्लाई देगा, तो मैसेज का रिप्लाई आ गया। और यू आप यहां से टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इमोशंस वगैरह सेंड करने, तो आप यहां से इमोशन सेंड कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, एंटर कर दें सेंड करने के लिए, इमोशन आ गए, और आप यहां से रिसीव भी कर सकते हैं। और यहां से दोबारा अगर आपने कोई और इमोशन सेंड करने, तो आप भी आपको इमोशंस भी रिसीव हो सकते हैं, यहाँ से इमोशन मिल गया आपको। इसलिए काफी सारे इसमें इमोशंस होते हैं। और भी कोई फाइल वगैरह शेयर करनी है, सेंड करनी है, तो आप यहाँ से सेंड फाइल पे क्लिक करें, सेंड फोटो है, फाइल है, वीडियो मैसेज है, जो भी चीज़ है, आप यहाँ से सेंड फोटो पे क्लिक करें, जो जहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह है उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो फोटो सेंड हो जाएगा। और यहाँ से भी इसी तरह अगर कोई और बंदा आपको सेंड करेगा तो वो भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जी आपके पास स्काइप की। स्काइप में आप चाहते हैं कि आपके जितने भी कांटेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट होते हैं, तो आप चाहते हैं नहीं आपके पास सिर्फ ऑल कांटेक्ट भेजे, सिर्फ ऑनलाइन जो लोग हैं उनके कांटेक्ट सामने नजर आए, तो आप यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्काइप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी स्काइप के जो ऑनलाइन लोग हैं वो सामने आ जाए। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, और कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, अगर आप देखना चाहें तो कंप्लीट लिस्ट दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट को ऐड करना चाहते हैं, मीन किसी को सर्च करते हैं, आप सर्च करके ऐड करना चाहते हो तो आप किसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, सर्च बार में क्लिक करके यहाँ से सर्च करेंगे और अपने फ्रेंड्स को आप ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल चेक करनी है, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल में एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं,
शो फुल प्रोफाइल पे क्लिक करें, कंप्लीट एट फर्स्ट प्रोफाइल सामने आ जाएगी। आप ईमेल वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, क्लिक करें यहाँ पे ईमेल चेंज करें, करने के बाद आप एक्सेप्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई और ईमेल एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, तीन ऑप्शन है, तीन ईमेल एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान है यहाँ से अब्टाबाद, जिस साइड से अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जी स्काइप का अकाउंट, और स्काइप पे आप कैसे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल कैसे की जाती है, रिसीव कैसे की जाती है कॉल, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।